सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर आ गई। वफाकी वजीर खजाना इजहाक डार का सेक्रेटेरिएट में तैनात अफसरान के लिए एग्जेक्टिव अलाउंस को बरकरार रखने से इनकार। वजीर खजाना के मुताबिक 150% एग्जेक्टिव अलाउंस देने का फैसला दुरुस्त नहीं किया गया। इजहाक डार ने वजारत खजाना के अफसरान के एहतजाज पर बरहमी का इजहार किया है। वाज़े रहे कि वजारत खजाना के अफसरान ने गुज़िश्ता रोज़ इसहाक डार को वजारत में 150% एग्जेक्टिव अलाउंस बरकरार रखने और इकोनॉमिस्ट समेत दीगर सर्विसेज केडर अफसरान को 100% के बजाय 150% अलाउंस देने की सिफारिश की। वजीर खजाना ने कहा कि एहतजाज करना है तो करें, लेकिन ये फैसला तब्दील नहीं होगा और सबको 100% एग्जेक्टिव अलाउंस मिलेगा। 150% अलाउंस देने का फैसला गलत किया गया है। उधर 22 बॉक्सर के तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर वन। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।